और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे कानपुर से। बता दें आपको, नवाबगंज इलाके में डीपीएस स्कूल की बस में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने से स्कूल परिसर में भी हड़कंप मच गया। जी हाँ, बच्चों को हालांकि बस से उतार दिया गया था पहले ही, उसके बाद इस बस में आग लगी। तो स्कूल बस को बैक करते समय अचानक से आग लगी है। आग लगने के जो कारण है वो बताए जा रहे हैं कि फायर सिलेंडर तेज धमाके के साथ फटा और उसके बाद स्कूल बस में आग लग गई। कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने के लिए मुमकिन कोशिश की। पानी डाला गया इस आग को काबू करने के लिए, तमाम कवायद की गई। स्कूल परिसर में ही बस को बैक किया जा रहा था और उसी दरमियान फायर का जो सिलेंडर रहता है सेफ्टी के लिए, वो फट गया। टोटी का पानी आ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा। स्कूल बस को परिसर में जब बैक किया जा रहा था उसी दरमियान फायर सिलेंडर फट गया, स्कूल बस में आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि जिस दरमियान ये घटना हुई, बच्चे बस से उतर चुके थे। दीपक जुड़े हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, बैक करते समय सिलेंडर फटा, फायर सिलेंडर, आग लगी बस में, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, पूरी घटना ये स्कूल बस की है, जहाँ पर स्कूली बस बच्चों को छोड़ के आ रही थी और अचानक बस में एक धमाका जैसा हुआ और बस में आग लग गई। जो स्कूली बस थी उसमें गैस, जो आग बुझाने का यंत्र होता है, वो कोई भी बस बच्चों की बस में नहीं था। वहाँ के लोगों ने जान से खेल के वो बस में जो थे वहाँ से पानी लाके डाला और आग पर काबू पाया। घटना दुर्घटना बड़ी हो सकती थी, लेकिन फिलहाल बच्चों को छोड़ के बाजार रही थी। जी दीपक, कई सवाल खड़े हो गए। अगर ये हादसा उस वक्त होता जब बच्चे सवार होते, जब स्कूल बच्चों को छोड़ने जा रही थी बस, उस समय हो जाता तो बड़ी घटना हो जाती। और लगातार जो बसों की फिटनेस को लेकर स्कूल प्रबंधन या प्रशासन किसी भी तरह से यहाँ जिम्मेदार दिखता नजर नहीं आ रहा। एक और बड़ा सवाल ये है कि स्कूल परिसर में ये घटना हो जाती है, लेकिन वहाँ कुछ उपकरण नहीं रहते आग पर काबू पाने। देखिए, पूरी अगर प्रशासन और स्कूल प्रशासन की बात की जाए तो लापरवाही साफ तौर से देखी जा सकती है। जिस प्रकार से बच्चों स्कूली बस की बच्चों को छोड़ने जाती थी और आग लगने के बाद कोई अंत नहीं था बुझाने का, तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही है। स्कूल में भी इस प्रकार का कोई अंत नहीं था, तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की लापरवाही साफ तौर से देखी जा सकती है। और अगर वाहन की फिटनेस की बात की जाए तो कानपुर जो प्रशासन है उसकी लापरवाही साफ तौर से देखी जा सकती है। किस तरीके से कमर्शियल गाड़ी और स्कूल वाहन प्राइवेट चलते हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाह प्रशासन भी और स्कूल प्रशासन भी है। बड़े सवाल खड़े होते हैं, आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक।